मेहमान कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पर हो रही है राजमा बनाने की तैयारी। मैंने आपके साथ बिना लहसुन प्याज वाले राजमा की रेसिपी शेयर की है, आज लहसुन प्याज वाले राजमा की रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये राजमा ना मैंने 1 घंटा पहले उबालने के लिए रख दिए हैं, डायरेक्ट ना इसमें मैंने भिगाए हैं ना कुछ। और ये राइस मैंने आज राइस कुकर में बहुत टाइम के बाद बनाया है, क्योंकि इसका ये ढक्कन देखो टूट गया है। ये कांच का था ना, तो बच्चे लोगों ने नीचे पटका और टूट गया। तो यहाँ पर लहसुन प्याज कट हो गया है, ये जीरा हींग डाल दिया है। अब मेरा वो राजमा उबल चुका था, तो मैंने कहा चलो तड़के लगाने के लिए तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया और जीरा हींग डाल दिया, और साथ में जो लहसुन कूट के रखा था वो डाल दिया है, और प्याज कट के रखा है वो भी डाल दूंगी। तो ये मैं अलग से बना रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ लहसुन प्याज का ही मैं ये तड़का लगाऊंगी, और बाकी मसाले मैं कुकर में डालूंगी, क्योंकि मेरी मम्मी को भी खाना है। तो मम्मी के लिए अलग से फिर उसी में मैं तड़का लगा दूंगी, और लहसुन प्याज का अलग से बनते रहेगा। और अपना हाथ वगैरह धो के अच्छे से दोबारा मैं ये टमाटर और अदरक का जो पेस्ट है वो मैं इसमें डाल दूंगी, अपने राजमा में जो उबल चुके हैं। और ये डायरेक्ट उबाले हैं, ये कोई भिगाने के लिए नहीं रखे थे। डायरेक्ट आप जब उबालते हो ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा और ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। तो मिर्ची थोड़ा सा इसमें तीखा वाला अच्छा लगता है राजमा, तो इसलिए मैं 2 हरी मिर्ची भी डालूंगी इसमें बाद में। और अभी इसको मैं लहसुन वगैरह सब डाल के, और थोड़ा सा गरम मसाला, तो गरम मसाला बादशाह का ही यूज करती हूँ, जैसे कि कल आपने मैंने आपको बताया था ना, मुझे अच्छा लगता है बादशाह का। जो लोग यूज करते हैं उनको भी मालूम है कि बादशाह का मसाला कितना टेस्टी होता है, ये राजवाड़ी वाला। और जो लोग नहीं करते ना, तो टेस्ट करना, एक बार आप यूज करना तो आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी इसमें, क्योंकि मुझे गाढ़ा जैसा लग रहा था राजमा, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। और आधी मुट्ठी के करीब ना मैंने राजमा में, हाँ मैं आपको बताना भूल गई थी, उड़द की दाल डाली है। उड़द की दाल आप चाहे तो अक्खा उड़द भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ना मेरा मसाला भी तैयार हो रहा है, लहसुन प्याज वाला, और साथ में मैं सबसे इधर वाले गैस में रख दूंगी अपना ये जो मेरा मसाला मैंने तैयार कर दिया है राजमा के साथ उसको। तो इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक पहले ही डाला हुआ था उबालते हुए, तो यहाँ पर ये उबलेगा और तब तक मेरा वो मसाला भी तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए ये उबल चुका है, और यहाँ पर मैं 1 कटोरी मम्मी के लिए निकाल दूंगी। और यहाँ पर ना गैस की कुकर की भांति, तो इसलिए मोबाइल में इसलिए मुझे फिर साफ करना पड़ा। अब मैं आपको दी हूँ, ये देखिए इतना अच्छा रागी हो गया है, इसमें लहसुन भी ऐड कर दिया है 1 किलो। देखो पानी क्या होता है यार बच्चे लोगों के साथ ना। तो ये राजमा बन के तैयार हो गया है, आप लोग भी खा लीजिए। और ये देखिए यहाँ पर इन लोगों का क्या चल रहा है, आप देख लीजिए पूरे रूम के इन लोगों ने क्या हालत कर रखी है। जब मैं राजमा बना के बाहर आई ना, तब मैंने ये देखा। ये क्या किया है? तू खुद रावण है, रुक जा तू। अब तुमको मैं क्या, मैं रुक जाऊँ, हम घी लेके आती हूँ किचन से, रुको। फिर तुम दोनों को जलाती हूँ, उसके बाद जो तुम जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ। ये क्या आज खोलोगे नहीं अभी कपड़ों को? अरे नहीं नहीं ऐसे ही सजाओगे? कैसा है भैया दूध? गिराओ मत। तुमका दूध कैसा है? डाल दूंगा। नहीं बेटा, मैं ज्यादा। ओके आप गिरा रहे हो, देखो गिराओ मत, फिर अच्छे से पियो गुड बॉय की तरह। आज तो क्या जीन्स पहन के, शर्ट पहन के, क्या मेरे पुंची लग रहे हो। ये देखो बहन कितने अच्छे से पीती है, आपका पीना तो जान के पुंतरी जैसा हो रहा है। गौर से देखो इस बच्चे को, इसकी दूध पीने की स्टाइल देखो, ये सबसे अच्छा जान की पुंतरी है मेरा। गुड बॉय।
और ये देखिए, आजकल ना मेरे बच्चों की रात को डिमांड बढ़ते जा रही है, तो मेरी यहाँ पर ना सब्जी बन चुकी है। मैंने आज फ्लावर की सब्जी बनाई थी और आटा गूंथ के मैंने रख दिया है। अब इनको देखो, ये अपनी दादी के साथ पूजा कर रहे थे, तो यहाँ वहीं से इनके मन में क्या आया कि ये लोग लड्डू लड्डू खाना था इनको। देखो अब ये किचन में किस तरीके से खड़े हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ इनका जो हाल हुआ है किचन में। इन्होंने जो तमाशा करके रखा है ना पूरे घर में, सच्ची में यार ऐसे सबके बच्चे करते हैं क्या? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मतलब बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा परेशान करने लग गए यार ये लोग, और इनकी डिमांड आजकल इतनी बढ़ती है ना, कभी कुछ चाहिए इनको, कभी कुछ चाहिए। तो अभी लड्डू की फरमाइश हो रही, तो यहाँ पर बेसन के लड्डू बनाए जा रहे हैं। अब देखिए, और मिठाई कल हमने पापड़ खाया था, एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, परेशान हूँ या ना हो ये भी समझ में नहीं आ रहा है सच्ची में। अब मैं क्या सोच रही हूँ कि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं आई थी कुछ अर्निंग करने के लिए, ठीक है, और हर कोई यहाँ पर अर्निंग करने के लिए आता है। और यहाँ पर आके मतलब जब सब फॉर सब हमने किया सब, तो रात रात भर जागे, दिन दिन भर जागे, अपना काम छोड़ के, काम तो किया फिर एक्स्ट्रा इसके लिए टाइम लगाया, और ब्लॉगिंग करते हैं वो अलग, लाइव करते हैं वो अलग, फिर जो जब 1K तक सब्सक्राइबर नहीं होते तो सब्सक्राइबर के लिए हम लोग इतना वो करते हैं वो अलग, मतलब कितनी मेहनत की है यार। चलो जो लोग का खुद से सब हो गए ना, सब्सक्राइबर बढ़ गए, उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की, खाली मतलब उन्होंने भी मेहनत तो हर कोई करता है, ब्लॉगिंग बनाना, एडिटिंग करना, ये सब करता है, लेकिन हम लोग जिन्होंने भी, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ, मतलब जिन लोगों ने भी सब्सक्राइबर के लिए इतने पापड़ बेले हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ, उन लोगों की जो मेरे सारे फ्रेंड हैं यूट्यूबर, यूट्यूब में उन लोगों की बात कर रही हूँ। तो मतलब कितनी मेहनत की है हम लोगों ने, कितनी मेहनत की है, एक एक बोलते ना, एक एक क्या बोलूँ मैं, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। तो इतनी मेहनत करने के बाद एक साथ 60-70 सब्सक्राइबर हमारे कम हो रहे हैं एक साथ, सोचो कितना तकलीफ हो रही है ना, मुझे सच्ची में बहुत दुख हो रहा है। मतलब एक दिन में लगातार मेरे 20 20 20 20 20 20 ऐसे 30 20 30 20, मतलब अभी मेरे 1K हो जाएंगे और उसके बाद फिर कम भी हो सकते हैं। अब मैं क्या सोच रही हूँ, फिर से किसी की लाइफ में जाओ, फिर से सब्सक्राइब बढ़ाओ, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं करूँगी ये सब काम, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अगर मेरे चैनल को ग्रो करना होगा बस मैं अपना काम करूँगी, ब्लॉगिंग करूँगी, वीडियो डालूँगी रोज़, और अगर मेरा किस्मत होगी YouTube में रहने की तो रहूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं। इतनी मेहनत जो मैंने की ना सब मेरी बेकार चले जाएगी, और सच्ची में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और इसलिए मैं मतलब क्या बोलूँ यार, अभी अपनी जान भी नहीं दे सकते ना इसके पीछे, कितनी जान लगा ली है यार, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मैं बहुत परेशान हूँ इसके लिए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड बोल रहे थे कि ये तो हो ही रहा है सबके साथ, सही बात है, लेकिन बहुत तकलीफ होती है ना, आप लोगों को भी हो रही होगी ना, जिसके कम हो रहे हैं वो ही समझ सकते हैं। तो चलिए गाइस कोई बात नहीं, और मैं ये लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगी, बहुत टाइम नहीं लूँगी आपका इतना, मैं अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी, और आप, मुझे पता है आप लोग मेरी भावनाओं को समझोगे, तो इसलिए जो भी मुझे अर्न कर रहा है प्लीज़ मत करो अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो। सब क्यों किया यार तुमने जब मुझे अर्न ही करना था, तो वीडियो का एंड यहीं पर कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।